Hey guys, it's Rahul and this is Julia and welcome back to our channel. So yeah, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है. कॉलेज कैसा रहा, फर्स्ट वर्कशॉप कैसा था, लाइक एनवायरनमेंट कैसा था. बिकॉज एवरीथिंग वॉज लाइक न्यू फॉर मी, तो आई वॉज लाइक लिटिल बिट स्कैर्ड. जैसे कि सब बोलते हैं कि फैशन इज लाइक ग्लैमर वर्ल्ड, बट इट्स नॉट अ ग्लैमर वर्ल्ड. वो एक तरफ से स्कूल था, तो मेरी माँ तो खुश थी कि हाँ मैं अपने बेटे को सेटिंग में भेज रही हूँ. शुड बी प्रॉपरली वेल्ड, प्रॉपर यू नो, उसको कपड़े पहनना पड़ेगा, उसे शूज़ पहननी पड़ेगी. ऐसे यहाँ पे नहीं चलता ये सब. तो कहीं ना कहीं मॉम इस चीज से बहुत खुश थी क्योंकि यू नो एक वेल मैनर्ड वे में मेरा बच्चा जाएगा. आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. मुझे लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं था, आई एम लाइक ओके विद इट. और इंट्रोवर्ट भी है तो थोड़ा सा अगर वेल मैनर्ड वे में जाना है तो उसके लिए तो हैप्पी भी था. इट्स ओके, बेस्ट लाइक बेस्ट एनवायरनमेंट. तो उन्होंने कॉलेज वालों ने पूरा लिस्ट दिया था कि ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास. हम लोगों ने सुना भी नहीं था, लाइक कार्डबोर्ड को लेकर हम लिटरली मैं पापा भाई तीन दिन से घूम रहे. तो फाइनली वी जस्ट कलेक्टेड एवरीथिंग. स्कूल के बच्चे होते हैं ना, जब फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जाते हैं, मेरी माँ को टेंशन मत ले, कुछ नहीं होने वाला, लाइक एवरीथिंग गोना बी फाइन. तो लाइक जैसे माँ बोलते हैं, लाइक शी वॉज लाइक वेरी मच लाइक पागल हो गया बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स में दैट यू हैव दिस नंबर रूम, यू हैव टू गो ओवर देयर एंड यू हैव टू सेट विद दोस पीपल. So there were like 300 students. If like some people are quite confused, so they just kept like 1 year ka, matlab ki what should I say? Everything they just teach. Ki thoda sa fashion ho gaya, thoda sa product ho gaya. Yes, like every first year was a mixture of everything. ताकि लोग, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि हमें वहीं जाना है या अगर हम किसी और में बेहतर है या बेस्ट है तो हमें मौका मिलेगा एक ईयर बाद चूज़ करने का कि हाँ मैं इसमें अच्छा नहीं था बट इसमें अच्छा था तो मैं ये चूज़ करूँ. आई वाज स्टैंडिंग एट अ बैक साइड कि भाई कोई मेरे जान पहचान की कोई मिल जाए यार, आई विल बी लाइक वेरी हैप्पी. बाहर से कॉल कर दी मम्मा, सोचा था उसका पूरा उल्टा ही हुआ. लाइक वो लोग लाइक मेरे पास ही आए कि why you're standing behind, just come with us, like just talk with us, like मैं जल्दी ओपन अप नहीं होता हूँ. और हम सोचते कुछ और होते हैं बट वहाँ जब हम पहुँचते हैं हमें लगता है कि वो हमें हमसे मिलेंगे नहीं, हमसे इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे बिकॉज वी आर अ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट जब वहाँ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि दे आर वेरी नाइस. उन लोग हमें कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, इवन दे आर इन द सेम, क्या बोलूँ, सेम बोट एज वी आर. इट वॉज लाइक very much interactive session. We just introduce ourselves in front of everyone, like what we do, what we like, what we want to pursue in future. फिर वो interaction होने के बाद it was like बहुत fun activities किए हम लोगों ने. We just went, they just allotted classroom to us. We were like sitting as usual and we were like talking with each other, like क्या है, कहाँ पे रहते हो, all that stuff was going on. फिर उसके बाद अचानक सडनली अनुज शर्मा एंटर हुए क्लास में एंड वी ऑल वर शॉक. लाइक इफ यू डिडंट नो अनुज शर्मा, लाइक टाइप बटन मसाला, ही इज वेरी यूनिक और उसकी स्किल्स और उसकी यूनिकनेस ही उसको उनको नाम मिला है, इसलिए बटन मसाला करके. तो फर्स्टली उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया लाइक मुझे क्लास के सामने एंड इट वॉज लाइक क्वाइट अमेजिंग स्टफ ही डिड. उन्होंने अपने साथ लाइक बहुत सारे बटन्स, रबर बैंड्स एंड फैब्रिक्स लाए थे, वो स्ट्राइप्स चेक्स वाले, लाइक बेसिकली इंडिया में बोला जाए तो लुंगी. सबको लाइक उन्होंने दो दो ग्रुप बनाए सबके, बिकॉज वन हैव टू बी अ मॉडल एंड दूसरा वाला हैव टू ड्रेप ऑन हिम. सो इट्स लाइक उन्होंने कॉन्सेप्ट समझा, उन्होंने सब
उन्होंने कॉन्सेप्ट एंड ऑल समझा दिया था कि क्या करना है क्या नहीं, किस तरह बटन टाई किया जाता है। और उन्होंने ये भी समझा, यही उनको कॉन्सेप्ट दिया था कि टेक दैट फैब्रिक और टेक दिस बटन्स एंड रबर बैंड्स, आपको दे दिया जा रहा है, आप बेसिकली आपको कुछ भी ड्रेप करना है विदाउट यूजिंग एनी स्टिचिंग मटेरियल। इवन मैं बटन मसाला का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाइक उनके इंस्टा अकाउंट। दे वर लाइक पेयरिंग अस एंड ही वाज लाइक हाइटेड लिटिल बट लाइक आई वाज लाइक बटला, तो मैंने उसको बोला था कि तू मॉडल बन बिकॉज आई नॉट डू अ मॉडलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, आई डू ड्रेप, तो तू कॉन्फिडेंट है। लिटिल बट उसका हाइट भी था तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो आई जस्ट स्टार्ट ड्रेपिंग। तो फर्स्टली तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, पहले 5 मिनट्स आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि मैं करूं क्या, हम करते नहीं है वो चीज, बट उन ही वाज मास्टर एट। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने बोला चल जितना सोचूंगा उतना आई विल नॉट स्केयर्ड एंड ऑल दैट, होगा ही नहीं, आई विल स्टार्ट। तो डर मत, तू बस खड़े रह, तू खड़े रह, फिर आई जस्ट कट सर्कल, सर्कल के अंदर वो लूंगी उसे, आई जस्ट स्टार्ट पुटिंग रबर बैंड्स एंड दोस बटन्स एंड एवरीवेयर। और भी फ्रेंड्स आ गए साइड में कि राहुल लाइक ये ड्रेप कर में हेल्प करना, ये ड्रेप कर हेल्प करना, तो आई वाज लाइक कि मेरा अच्छा बना है, इन लोग आ क्यों रहे मेरे पास, मुझे ही नहीं पता मेरा कैसा बना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको बोल दिया भाई तू बैठ, ही वाज लाइक स्टैंडिंग गया था, सबसे पहले अपना खत्म हुआ था, तो दे वर लाइक कमिंग टू अस। कुछ नहीं किया हुआ, बटन से सारे अटका अटका के रखा होगा, पता नहीं आटो जस्ट शट अप। हां तो फिर मैंने उनका हेल्प किया, तो हेल्प किया देन उसके बाद वी वर सिटिंग एंड दे जस्ट टोल्ड अस कि तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ, जितने भी मॉडल्स हैं वी गोना टेक फोटोज। फिर अनुज शर्मा आए, फिर बोले गाइस स्टॉप, जो भी आप लोगों ने आर्ट वर्क किया जस्ट मॉडल के ऊपर अभी छोड़ दो, अभी बहुत हो गया। हाँ तो फिर उसके बाद सबका लाइक उन्होंने अपना ड्रेप्स देखा, लाइक किसी का यूनिक था, किसी का कोई पर्सपेक्टिव अच्छा था, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने लाइक जिस कैसे अच्छा हुआ फोटोज है ना लिए। फिर इट वाज द टाइम टू लाइक की टू लाइक की कौन फर्स्ट हुआ है, कौन सेकंड एंड हु इज द रनर अप। तो फाइनली वी वर द वन हु वाज लाइक फर्स्ट एंड आई वाज लाइक नॉट एक्सपेक्टिंग, बट या मैं उसका जरूर मैं फोटोज दे दूंगा इसके बाद लाइक वीडियो के एंड में। सो या इवन व्हाट अ गिफ्ट, हां गिफ्ट इन द सेंस इट वाज लाइक एसडी हैम्पर बैग, सो दे हैव गिवन अस लाइक की बुक्स, ऑल दोस लाइक दोस पेंस स्टिकर्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट इट वाज लाइक रियली चॉकलेट भी तो मिला था। हां चॉकलेट तो वही खा चुका। हां हां अरे क्या करे, फ्रेंड्स लोग मेरे पास आए मांग लेंगे, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आई कांट से नो टू देम, सो दैट्स व्हाई इट वाज लाइक रियली अ ग्रेट बिगनिंग ऑफ माय लाइफ। सो द फर्स्ट इज बहुत अच्छा रहा, ही वाज सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज़ घर आने के लिए, क्योंकि इसे गिफ्ट मिला था। आई जस्ट वांट टू शो मॉम एंड दीपो की क्या क्या था, क्या नहीं था, इतना इंटरेक्टिव रहा, हैप्पी रहा बिकॉज अनुज शर्मा ने इसकी बहुत तारीफ की। हम सोचते हैं कि हम इस ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी जगह कैसे बना पाएंगे और हम इस चीज़ से बहुत स्कैर्ड हो जाते हैं कई बारी, मैं भी थी और ये भी था कहीं ना कहीं, बट हम जब जाते हैं उस दुनिया में तब समझ में आती है नहीं, वो भी हम सेम थाली के चिट्टे बट्टे ही है। और जब हम काम करने लगते हैं देन यू रियलाइज कि कुछ नहीं, हमें बस सीखना है हर चीज़ों को, हर एक्टिविटी बोलो हर चीज़ में कुछ सीखना। अगर ये फर्स्ट नहीं भी होता इट्स ओके, बट दैट फॉर वहाँ पे रहकर कुछ सीखना, कुछ चीज़ न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करना, इवन बटन मसाला वाज देयर, उनको देखना, उनको देखकर इंस्पिरेशन मिलना, तो मतलब कि ऐसा कुछ करो कि इंस्पिरेशन हर वक्त मिलता रहे। सो इट्स टाइम टू यू नो एक्सप्लोर योर थिंग्स, just come out from your box and please comfortable ho jao kyunki wahi apni ek duniya basani hai aur unse seekhna hai aur aapse bhi wo sikhenge kuch na kuch because you are good in something even they are good in something so hamesha yaad rakhna your uniqueness is your key point obviously and that will only help you to survive in this industry so please so guys please, yes Finally, वीडियो को एंड करते हुए है। आपको इसकी फर्स्ट ईयर कॉलेज अच्छी लगी, सो डू सपोर्ट अस, प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. That's the main thing guys, we will improve ourselves. Yeah, so thank you, lots of love. Bye, see ya. And here is my lovely bee. So